हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट टॉक शो पर। मैं हूं आपका दोस्त स्कंद पाठक, लेकर आया हूं एक और नया खास इंटरेस्टिंग एपिसोड क्रिकेट टॉक शो का। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसमें बहुत सारे क्रिकेटर्स जिन्होंने मना कर दिया था आईपीएल का सेकंड फेज खेलने से, अब दोस्तों वही सारे क्रिकेटर अवेलेबल होने वाले हैं आईपीएल के सेकंड फेज के लिए और आपको खेलते हुए दिखेंगे आईपीएल की फ्रेंचाइज के लिए। दोस्तों, कहा जा रहा था कि जिनके पैसे जो कम बजट में कम पैसों में खरीदे गए प्लेयर हैं वह है शायद नहीं आएंगे, बट अब दोस्तों क्या बड़ी बिड में खरीदे हुए और क्या छोटी बिड में खरीदे हुए, सारे जो मैं आपको बताने वाला हूँ उन सारे खिलाड़ियों ने मंजूरी दे दी है कि वो आईपीएल में आके खेलने वाले हैं और आपको आईपीएल के मैचों में खेलते हुए भी दिखेंगे। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है और इसे कंप्लीट देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आईपीएल के बारे में जानना चाहते हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कर लेते हैं शुरू और दोस्तों जानते हैं क्या है सारा सिनेरियो। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम चेन्नई सुपर किंग की टीम के बारे में। दोस्तों, आठों नहीं नौ प्लेयर अवेलेबल हो सकते हैं आईपीएल 2021 के रिमेनिंग मैचों में। मतलब नौ प्लेयर कैसे, जॉस हेजलवुड और जेसन वैरेंटॉफ, ये दोस्तों रिप्लेसमेंट प्लेयर थे। जेसन वैरेंटॉफ और जॉस हेजलवुड प्राइम प्लेयर थे। दोस्तों, आप देखते हैं कौन कौन से प्लेयर इस टीम के लिए अवेलेबल रह सकते हैं। दोस्तों, फैफ डू प्लेसी 100% अवेलेबल रहेंगे, उनके साथ ड्वेन ब्रावो और दोस्तों मोइन अली और सैम करन पे भी अब मोहर लग गई है, ये दोनों भी आपको अवेलेबल होते हुए दिखेंगे। अब दोस्तों ये चार प्लेयर के बाद बात करें, इमरान ताहिर आपको खेलते हुए दिखेंगे, जेसन वैरेंटॉफ खेलते हुए दिखेंगे। अभी जॉस हेजलवुड की तरफ से कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो अवेलेबल हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, कुछ भी हो सकता है। सो दोस्तों, इनके बाद बात करें हम, मिचेल सेंटनर अवेलेबल रहने वाले हैं और दोस्तों कुल मिला के सारे ही खिलाड़ी अवेलेबल रहने वाले हैं सीएसके की टीम के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं हम आरसीबी की टीम की तरफ से। आरसीबी की टीम से सारे खिलाड़ी के ऊपर मोहर लगी हुई थी कि सारे खिलाड़ी अवेलेबल होंगे, बट दोस्तों जो शंका के बादल मंडरा रहे थे वो थे दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल पे, बट दोस्तों अब क्लियर हो चुका है कि वो भी आईपीएल 2021 के रिमेनिंग फेज में अवेलेबल रहने वाले हैं। तो आरसीबी फैंस लाइक कर दो और सीएसके फैन बिल्कुल तुम भी लाइक कर दो यार, इसमें आपके लिए खुशखबरी है तो आप लाइक कर दो। सो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरसीबी की टीम से काइल जेमिसन के ऊपर तलवार लटक रही कुछ समय पहले, बट दोस्तों जैसे ही काइल जेमिसन की न्यूजीलैंड की टीम ने जब अनाउंसमेंट की अपने 15 मेंबर्स की, तो दोस्तों उन्होंने अपने मेंबर्स अलाउड कर दिए जिसमें काइल जेमिसन का नाम शामिल था कि काइल जेमिसन उनके वर्ल्ड कप की चॉइस रहने वाले हैं। बट दोस्तों एक पाकिस्तान और बांग्लादेश का टूर होने वाला था जिसमें कि काइल जेमिसन समेत कई सारे न्यूजीलैंड प्लेयरों ने अपना नाम वापस ले लिया कि वो नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश के खिलाफ, वो आना चाहते हैं आईपीएल सेकंड फेस में और खेलना चाहते हैं आईपीएल का सेकंड पार्ट। तो दोस्तों ये भी एक खुशखबरी है आरसीबी फैंस के लिए, बट दोस्तों एक आरसीबी फैन के लिए एक बुरी खबर यह है कि डैन क्रिश्चियन भी आने वाले हैं और दोस्तों कहीं अगर विराट कोहली ने उनको प्लेइंग 11 में जगह दे दी तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है आरसीबी की टीम को। अब दोस्तों फिन एलन ने अपना नाम वापस ले लिया है कि वो नहीं आ रहे आरसीबी की टीम में सेकंड फेज खेलने के लिए। वहीं दोस्तों ग्लेन फिलिप्स अब वापस अवेलेबल होने के चांसेस बढ़ गए हैं कि वो वापस अवेलेबल हो सकते हैं और आईपीएल 2022 का सेकेंड हाफ खेल सकते हैं। जिनको दोस्तों नहीं पता है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ग्लेन फिलिप्स की रिप्लेसमेंट थी फिन एलन। जब फिन एलन चले गए तो ग्लेन फिलिप्स ऑटोमेटिक चॉइस बन गए आरसीबी की टीम के लिए एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ फिन एलन। आइए दोस्तों बात करते हैं हम राजस्थान रॉयल की टीम की तरफ से। दोस्तों सबसे बड़ी मुसीबत अभी भी इनको है और पहले भी इन्हीं को थी, जहां दोस्तों जॉस बटलर, क्रिस मॉरिस, लियम लिविंगस्टोन जैसे प्लेयर आने वाले हैं आईपीएल का सेकेंड फेज खेलने के लिए। वहीं दोस्तों जोफ्रा आर्चर, मुस्तफिजुर रहमान और बेन स्टोक्स ने अपने नाम वापस ले लिए। जोफ्रा आर्चर ने अपना नाम अपनी चोट के कारण वापस लिया है। वहीं दोस्तों बेन स्टोक्स ने मेंटल इशू के कारण इससे बाहर हुए हैं। वहीं दोस्तों बात करें हम मुस्तफिजुर रहमान की, वहां दोस्तों बांग्लादेश उन्हें अप्रूवल नहीं देने वाला, वह कंफर्म कर चुका है। बांग्लादेशी शायद आपको कोई भी प्लेयर आईपीएल में खेलता हुआ इस सीज़न तो नहीं दिखने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हम हैदराबाद की टीम के बारे में। तो दोस्तों उनकी तरफ से डेविड वार्नर अवेलेबल होने वाले हैं, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है एसआरएच फैन के लिए। वहीं दोस्तों जॉनी बेस्ट और जेसन रॉय, ये दोनों भी अवेलेबल होने वाले हैं। राशिद खान भी अवेलेबल होने वाले हैं
और दोस्तों बात करें हम सबसे बड़ी इनकी, दोस्तों केन विलियमसन जो इनके कप्तान है हालिया टाइम में, वो भी दोस्तों अवेलेबल होने वाले हैं। तो हैदराबाद की तरफ से भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव निकल के आया है। तो हैदराबाद फैंस लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट। दोस्तों अब बात करते हैं हम अगली टीम के बारे में। आइए दोस्तों बात करते हैं मुंबई इंडियन टीम के बारे में। दोस्तों इनके लिए भी काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज निकल के आई है। क्रिस लिन अवेलेबल होने वाले हैं, नाथन कुंटल नाइल अवेलेबल होने वाले हैं, दोस्तों ट्रेंट बोल्ट अवेलेबल होने वाले हैं, जिम मिनिशम अवेलेबल होने वाले हैं। दोस्तों ये मोहर लगा दी है जो है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने इनके ऊपर के खिलाड़ी आ सकते हैं और आईपीएल का सेकेंड फेज खेल सकते हैं। दोस्तों मुंबई इंडियन फैंस लाइक दिस वीडियो और दोस्तों कमेंट जरूर करके जाइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज आज कमेंट कर दीजिए। दोस्तों अब दोस्तों अगली टीम के बारे में बात कर लेते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं केकेआर टीम के बारे में। दोस्तों केकेआर टीम के लिए मिक्स्ड रिव्यू है, मतलब कि मिक्स्ड न्यूज़ है उनके लिए। कुछ पॉजिटिव भी है और कुछ नेगेटिव भी है। पॉजिटिव की बात करें दोस्तों ऑयन मॉर्गन आ रहे हैं, बट दोस्तों कुछ केकेआर फैंस और कुछ लोग इसे बताएंगे कि बैड न्यूज़ भी है। और दोस्तों वैसे गुड न्यूज़ ये है कि ऑयन मॉर्गन आ रहे हैं और लॉकी फर्गुसन भी आ रहे हैं आईपीएल का सेकंड फेज खेलने के लिए। और दोस्तों बात करें हम कि बहुत बेकार न्यूज़ की कि पैट कमिंस नहीं आने वाले, ये कंफर्म हो चुका है। अब आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि पैट कमिंस आईपीएल 2021 का सेकंड फेज खेलने वाले हैं। दोस्तों एक बहुत बड़ी बेकार न्यूज़ है। तो कैसा लग रहा है आपको केकेआर फैंस, कमेंट ज़रूर करके बताइए, आप ये अपनी फीलिंग्स ज़रूर शेयर कीजिए। अब दोस्तों आइए बात करते हैं हम अगली टीम के बारे में, जिसका नाम दोस्तों पंजाब की। इनके दोस्तों सब कुछ स्टेबल है पहले की तरह, कोई इनके में ना पहले कोई बात हो रही थी सिर्फ डेविड मलान की, वो भी अब कंफर्म हो चुका है। डेविड मलान 100% आ रहे हैं और खेल के जाएंगे आईपीएल 2021 का सेकंड फेज। तो दोस्तों यही थी पंजाब किंग्स के बारे में न्यूज़। तो पंजाब किंग्स फैन लाइक दिस वीडियो। अब दोस्तों आखिरी टीम के बारे में बात करते हैं, वो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए श्रेयस अय्यर फिट हो गए हैं और बात करें हम इनके स्टीवन स्मिथ फिट हो चुके हैं, मतलब कि वो आने वाले हैं और खेलने वाले हैं आईपीएल 2021 का रिमेनिंग शेड्यूल। अब दोस्तों बात करें हम और इनकी टीम से, तो दोस्तों टॉम करन अवेलेबल होने वाले हैं, सैम ब्लिंक्स भी अवेलेबल होने वाले हैं और दोस्तों बात करें हम क्रिस वोक्स भी अवेलेबल होंगे और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मार्कस स्टोनिक्स भी अवेलेबल होने वाले हैं। दोस्तों यह है सारा सिनेरियो, यह है उन सारे खिलाड़ियों के नाम जो अवेलेबल होने वाले हैं आईपीएल की 2021 के रिमेनिंग शेड्यूल में। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको लगता है कि मैंने आपको इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस ऐड किया, आपके लिए कुछ इंटरेस्ट क्रिएट किया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। दोस्तों यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।